शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन माँ लक्ष्मी की सच्ची लगन से पूजा करने पर इंसान के जीवन में धन की वर्षा होती है। भारत में लक्ष्मी माँ के कुछ दुर्लभ मंदिर हैं। हम बता रहे हैं माँ लक्ष्मी के 2000 साल पुराने मंदिर के बारे में, जहाँ पर लक्ष्मी माँ अपने साधन उल्लू पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार। बताते चले कि धन प्राप्ति के लिए लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करने से इंसान के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे धन प्राप्ति होती है। वैसे तो देश भर में माँ लक्ष्मी के कई सारे मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो कि कुछ खास कारणों के से आकर्षण का केंद्र है। ऐसा ही एक मंदिर है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर नहीं रहती है बल्कि वो यहाँ पर एक हाथी पर सवार है। आइए जानते हैं कि इस मंदिर के पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है। मध्य प्रदेश में देश के कई पौराणिक मंदिर स्थित। उज्जैन एक ऐसा शहर है जहां पर महाकाल विराजमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ इस नगरी में माँ लक्ष्मी का भी बहुत ही दुर्लभ मंदिर है। मान्यता है कि ये मंदिर 2000 साल पुराना है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि माँ लक्ष्मी या तो कमल पर विराजमान होती है या फिर वो उल्लू पर विराजमान होती है, लेकिन इस मंदिर में वो गज पर विराजमान है। इसीलिए इस मंदिर को गज लक्ष्मी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। आखिर इसकी धार्मिक मान्यता क्या है? आखिर क्यों यहाँ पे माँ लक्ष्मी गज पे विराजमान है? इस मंदिर की मान्यता द्वापर युग से जुड़ी है और प्रसंग महाभारत से। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था और वो जंगलों में भटक रहे थे, उस दौरान माँ कुंती लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए विषय थी। माँ का कष्ट देख पांडवों ने इंद्रदेव से विनती की और मदद की गुहार लगाई। इंद्रदेव पांडवों के तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना वाहन इरावत भेजा। इंद्रदेव के वाहन का नाम इरावत था जो कि एक हाथी था। इरावत पर माँ लक्ष्मी विराजी और कुंती जी ने उनका वहीं पे उनकी पूजा की। कुंती की श्रद्धा और अपनी माँ के प्रति पांडवों के समर्पण भाव को देखते हुए माँ लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न हुई। उनकी कृपा पांडवों पर पड़ी और उन्हें उनका राजपाट भी वापस मिला। लक्ष्मी माँ का ये मंदिर जो है वो कुछ खास वजहों से प्रचलित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा दिवाली के दिन इस मंदिर में खास तौर पर पूजा की जाती है। दिवाली पर माँ को काफी ज्यादा मात्रा में दूध चढ़ाए जाते हैं और 56 भोग लगाए जाते हैं। शुक्रवार के दिन इस मंदिर में भारी भीड़ लगती है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि इस दिन कई सारे व्यापारी ऐसे हैं जो अपना पहला बही खाता बनाने के लिए माता जी के मंदिर आते हैं। इसीलिए बताते चले इसी के साथ कि भगवान विष्णु की दुर्लभ प्रतिमा भी है। दरअसल इस जगह पर भगवान विष्णु की एक दुर्लभ मूर्ति भी है और इस मूर्ति में 10 दशावतार रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि विष्णु जी की ऐसी मूर्ति है और कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। ये प्रतिमा काले रंग की है और ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब 2000 साल पुरानी है। जो भी उज्जैन आता है इस मंदिर में एक बार दर्शन जरूर करता है। पैसों की तंगी झेल रहे लोगों को यहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। फिलहाल आप इस मंदिर में कभी गए हैं या नहीं, आप जाएंगे आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे।